नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर निधि तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं वेरिकॉज वेन के बारे में और इसे योग के द्वारा हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये वेरिकॉज वेन आखिर है क्या। तो हमारे शरीर में नसें होती हैं बहुत सारी, जो हमारी जो खून है उसको हमारे पूरे शरीर में सप्लाई करती हैं। तो हार्ट से लेके पैरों तक लेके जाती है, पैरों से फिर से हार्ट तक लेके जाती हैं। तो इसमें आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। तो जो वेन्स हैं, जो हमारे दूसरे जो हमारा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, उसको जो हमारे पैरों से वापस जो हृदय में पंप करती है, क्योंकि जो हम खड़े रहते हैं तो ग्रेविटी के कारण हमारा जो ब्लड फ्लो है वो हमारे पैरों पर जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे वॉल्स होते हैं वेन्स में, वो वापस से ब्लड को हार्ट की तरफ पंप करते हैं। तो वह कहीं ना कहीं वर्क नहीं करता अच्छे से, तो जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो वेन्स में इकट्ठा होने लगता है और वेन्स स्वेल होने लगती हैं। तो जिससे कि हमें स्किन के ऊपर से आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारी जो नसें हैं उसमें स्वेलिंग आ रही है, कई बार छोटी छोटी गांठों का रूप ले लेती हैं, और कई बार स्पाइडर का जो जाल होता है, जैसे कि मकड़ी का जाला होता है पर्पल कलर, ब्लू कलर का, तो वैसे जाले के समान हमें स्किन से दिखने लगता है। खासतौर पे ये हमारे पैरों में, पंजों में दिखता है, पिग्गियों में दिखता है, मतलब काफ मसल्स में दिखने लगता है, थाइस में ये चीज़ें दिखने लगती हैं। तो अगर ये समस्या आपको हो रही है तो आप आज से योग अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। और अगर यह समस्या आपके परिवार में किसी को थी, अगर हेरिडिटरी है, तो आपको जब भी आपको पता चले आप तब से योग अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं। और एक और चीज़, ये अब यह जो समस्या है ये महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिल रही है। आखिर क्यों? तो मैं थोड़ा सा, अगर हम बात करें कि पहले ज़माने के, जैसे हम किचन होते थे, महिलाएं बैठकर काम करती थी, लेकिन आजकल ज़्यादातर जो किचन होते हैं उनकी जो डिज़ाइन होती है उसमें खड़े होकर काम करना पड़ता है। अगर हम टीचर्स वाले प्रोफेशन की बात करें तो टीचिंग जो है बहुत देर तक खड़े होकर करना पड़ता है, 3-3, 4-4 घंटे उनको खड़ा रहना पड़ता है। अगर हम बात करें ऑफिस की, तो लोगों को बैठकर काम करना पड़ता है, इसमें पैरों की जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ रहती है, पैर लटके रहते हैं, अधिक मूव नहीं करते हैं। तो यह सब जो प्रॉब्लम है, यह इन सब वजह से भी हो रही है, आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो मैं आज आपको योग अभ्यास बताती हूँ कि हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। और सबसे आसान जो योग अभ्यास है वह है पद्मासन। इस बीमारी में बहुत लाभदायक है। अगर आप सुखासन में बैठ सकते हैं तो आप सुखासन में बैठ जाइए, नहीं तो थोड़ी देर आप पद्मासन में बैठ जाइए। इस तरह से इसमें कम से कम 5 से 10 मिनट आप बैठेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। अब हम थोड़ी देर वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड कर नितंब के नीचे लेकर आएंगे और थोड़ी देर इस आसन में बैठेंगे। इस आसन को खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, तो जब वक्त मिले तब इस आसन में थोड़ी देर आप जरूर बैठें। इस प्रक्रिया को दोनों पैरों से 5-5 बार रिपीट करें। Thank you.
सावधानियां बरतें।